गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभम त्यागी नमस्ते, साक्षी गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग। कौन आ गया भाई सबसे जल्दी? अच्छा रौनक गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दो मेरी आवाज आ रही है। ठीक है भाई, रौनक ड्रॉन क्लियर है। ड्रॉन मैथ्स की क्लास में भी तुमने कह दिया क्लियर है। शुभम त्यागी चलो भाई शुरू करते हैं भाई। कल कुछ रीजंस की वजह से अपनी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, कोशिश करेंगे आज ना हो। वैसे रात भर अपना सिस्टम चेक किया है, रात भर से तो कोई इशू आया नहीं है। अगर इशू आया है तो 5 मिनट में दूर हो, 5 नहीं 2 मिनट में दूर हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई इशू नहीं आएगा। यूपीएस का इशू था, रात भर तो यूपीएस सही चला है भाई। सूरज गुड मॉर्निंग भाई सूरज। चलते हैं भाई अपने टॉपिक पे, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। स्टार्टिंग से लेंगे, कल जहां बीच में रुक गई थी क्लास, तो अपना दोबारा से स्टार्टिंग से करते हैं। वॉल्केनो होता क्या है भाई? वॉल्केनो तुम्हें पता था कि क्या होता है? तुम्हारी अपर मेंटल होती है, और अपर मेंटल में से क्या निकलेगा? आपका मैग्मा। यहाँ मैग्मा होगा और तुम्हारे क्रस्ट के ऊपर, ठीक, यहाँ क्या होगा? मैग्मा चैम्बर, जहां मैग्मा इकट्ठा हो रहा होगा। मैग्मा जब इकट्ठा हो रहा होगा तो फिर ये फटेगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा, और इसमें से क्या निकलेगा? लावा। मतलब नहीं, इशू नहीं आएगा भाई, इशू नहीं आएगा। रात भर इसकी टेस्टिंग हुई है, लेकिन बाय चांस अगर आता है तो, बाय चांस तो भाई बाहर आके क्या बन जाएगा? लावा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, लावा दो तरीके का होगा। एक क्या होगा? बेसिक लावा की हम बात करें तो लावा एक कैसा होगा? बेसिक होगा। बेसिक कौन सा होता है? और एसिडिक होगा। क्षारीय और अम्लीय, एक होगा क्षारीय और एक होगा तुम्हारा अम्लीय। भाई जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। लेस सिली का प्रेजेंट, जय श्री राम। विनय ठाकुर जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। एक बेसिक होगा, एक क्षारीय होगा, इसका डिफरेंस मैं तुम्हें बताया था। बेसिक जो होगा इसमें से क्या निकलेगा? एक तो सिलिका, सिलिका होगा दोनों में, एक में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी और एक में सिलिका की मात्रा कम होगी। एसिडिक में ज्यादा सिलिका होगा, बिल्कुल भाई एसिडिक में ज्यादा सिलिका होगा और ज्यादा स्टिकी होगा। क्या होगा? ज्यादा स्टिकी, ज्यादा चिपचिपाहट होगी। और सिलिका और स्टिकी, ज्यादा सिलिका ज्यादा स्टिकी मिलके क्या निकालेंगे? कौन सा रॉक निकालेंगे भाई, ये मुझे बताओ। शुभम त्यागी स्टिकी और सिलिका, बिल्कुल भाई दोनों होंगे, स्टिकी और सिलिका दोनों होंगे। लेकिन जो अपना बेसिक होगा, सॉरी बेसिक उल्टा ऊपर लिख दिया, एसिड नीचे लिख दिया, ये क्या है? एसिडिक। नीचे वाला क्या है? बेसिक। इसमें बेसिक में सिलिका की मात्रा भी कम होगी और चिपचिपाहट भी कम होगी। बेसिक ग्रेनाइट, बिल्कुल रौनक। सिलिका और स्टिकी, मतलब सिलिका और चिपचिपाहट जिसमें ज्यादा होगी वो ग्रेनाइट होगा, और सिलिका कम होगी जिसमें चिपचिपाहट भी कम होगी वो क्या होगा? तुम्हारा बेसाल्ट होगा। बेसाल्ट होगा जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लैक सॉइल। सर हिंदी में भी एक लैंग्वेज है? हाँ भाई हिंदी एक लैंग्वेज है भाई। सिलिका को तो सिलिका ही कहेंगे, बेसिक को कहते हैं क्षारीय, इसे क्षारीय कहेंगे, इसे अम्लीय कहेंगे, ये अम्लीय होगा अपना। और इसमें क्या? चिपचिपाहट ज्यादा होगी, स्टिकी तो चलो भाई ये हो तो की बात। अच्छा अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी अगर हम बात करें उसके उद्गार के हिसाब से देखें, उद्गार के हिसाब से, इरप्शन के हिसाब से देखें, तो मैंने बताया था दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे भाई? दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो क्या होगा? सबसे पहला कौन सा होने वाला है? टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू इरप्शन। हाँ भाई उद्गार के हिसाब से दो प्रकार के होंगे। हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा हिंदी का, बिल्कुल भाई। एक होगा केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार, एक होगा केंद्रीय उद्गार, और दूसरा कौन सा होगा? दरारी उद्गार। आज हम भाई ड्रॉन की बात मानेंगे और हिंदी में लेके चलेंगे। ये क्या होगा? दरारी उद्गार। सेंट्रल इरप्शन मैंने तुम्हें बताया था, सेंट्रल इरप्शन में क्या होता है? वॉल्केनो जो होता है वो सीधा जाता है, और जो इसका इरप्शन होगा लावा का, जो ये ऊपर से जो लावा गिरेगा वो पास में गिरेगा, ज्यादा दूर जाके नहीं गिरेगा। हाँ भाई बाइलिंगुअल तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा कोशिश करेंगे हिंदी ज्यादा हो, क्योंकि ये कई बार ड्रॉन टोक चुका है इस बात को लेके कि सर हिंदी कम होती है। बिल्कुल भाई केंद्रीय उद्गार क्या होगा? इसमें एसिडिक ज्यादा होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा, बिल्कुल एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो इसमें कौन सा रॉक निकलने वाला है? ग्रेनाइट रॉक निकलने वाला है। कौन सा रॉक निकलने वाला है भाई? ग्रेनाइट। दरारी उद्गार की बात करें तो ये बेसिक होगा, बेसिक होगा तो इसमें चिपचिपाहट कम होगी। क्षारीय होगा, ये क्षारीय होगा तो चिपचिपाहट कम होगी,
और जहां भी चिपचिपाहट कम होगी वो ज्यादा दूर जाएगा, और कम से कम 300 मीटर तो ये जाता ही है, उससे आगे ये कई किलोमीटर तक फैलता है। क्या फैलता है तुम्हारा? लावा। हाँ भाई, कल मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलेगी जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो सबसे ज्यादा गैस कौन कौन सी निकलेंगी मुझे पहले नंबर की बता दो और दूसरे नंबर की बता दो। जल्दी जल्दी से भाई कमेंट कर दो कौन कौन सी गैस निकलेंगी, और जो नए आए हैं वो लाइक कर दो क्लास को जल्दी से भाई। वाटर वेपर, बिल्कुल भाई, जल वाष्प होगा सबसे पहले नंबर पे। क्या होगा? जल वाष्प होगा। क्या होगा? जल वाष्प होगा। दूसरे पे बात करें तो क्या होगी अपनी? SO2 होगी। बिल्कुल भाई, क्या होगी? SO2 होगी। यहां तक ये क्लियर हो गया होगा भाई, दो प्रकार का होगा। अब एग्जाम्पल उठाते हैं हम केंद्रीय उद्गार के। जल्दी जल्दी से टाइप करना शुरू कर दो केंद्रीय उद्गार के कौन कौन से वॉल्केनो मैंने तुम्हें बताए थे, अगर याद है तो। वॉल्केनो में जो केंद्रीय उद्गार, सेंट्रल इरप्शन, केंद्रीय उद्गार की बात करें, केंद्रीय उद्गार के मैंने तुम्हें क्या बताए थे कल? वॉल्केनो बताए थे, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ बिल्कुल भाई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ आना शुरू हुआ किलिमंजारो, विशुवियस। भाई शुभम त्यागी, एक्टिव डॉर्मेंट डेड, ये टाइप ऑफ वॉल्केनो होंगे उनकी एक्टिवनेस के हिसाब से। फुजियामा, एटना, इटली। बिल्कुल भाई, सबसे पहले बात करें, अगर हम बात करें किलिमंजारो, क्या है आपका? किलिमंजारो। मुझे ये बताते चलना है कहाँ कहाँ है किलिमंजारो। किली मंजारो बताते चलो भाई कहां कहां है, टाइप करते रहो। दूसरे की बात करें हम विसुवियस, विसुवियस अफ्रीका, अफ्रीका, तंजानिया। बिल्कुल भाई, अगर हम किलिमंजारो की बात करें तो ये कहां पे होगा आपका? तंजानिया में होगा। तुम्हारा फुजियामा बता दो भाई, फुजियामा। फुजियामा के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या है, जापान का पवित्र स्थल है। फुजियामा जो है जापान का क्या है? पवित्र स्थल है। बिल्कुल भाई, माउंट एटना, क्या हो गया तुम्हें? जापान। शुभम त्यागी, सचिन गौतम, जापान। ठीक है भाई, ये तुम बता रहे हो फुजियामा के, एटना इटली में है। बिल्कुल सचिन, तंजानिया, अफ्रीका में है। क्या तुम्हारा? किलिमंजारो। अब भैया इन्हें थोड़ी सी ना तुम एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, याद कर, सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर बाय चांस तुम याद रख सको, अगर तुम ऐसे याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अच्छा, किलिमंजारो की बात करें, अगर हम किसी को सबसे ज्यादा तंग करते हैं, तंजानिया में है, तो अगर हम किसी को तंग करते हैं तो क्या करता है? किल्ली मारता है, वो चिल्लाता है। क्या करता है? किल्ली मारता है, चिल्लाता है। तो ध्यान रखना, किल्ली मारेगा तो क्या करोगे तुम? उसे तंग करोगे, तंजानिया होगी। अगर हम बात करें विसुवियस की बात करें तो विसुवियस की बात रखना, बात करें विसुवियस, विष को पी के भाई टल्ली हो गया। विष को पी के क्या हो गया? टल्ली। विष पिया और क्या हो गया? वो टल्ली हो गया, झूम गया। ये बस एक ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें याद करने के लिए, अगर तुम ऐसे याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन कई बार क्या होता है तुम्हें ऐसे याद हो जाता है, किसी को तुमने तंग किया, उसने मारी किल्ली, किली मंजारो, विसुवियस, विष पी के क्या हो गया? टल्ली हो गया। भाई यहां हम दारू की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रिक की बात कर रहे हैं। तुमने कहा जा, जा कहां? फुजियामा। जा कहां भाई? जापान। तुमने कहा जा, कहां जा? जापान। फुजी जा, जापान में जा। चलो भाई, एटना से याद रखना, ये इसमें भी टी आता है और इटली में भी टी आता है, इसे याद करने का ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालना, ये तो तुम आराम से याद कर लोगे, इटली का होता है ये। तो भाई ट्रिक याद कर लो कि तुमने किसी को तंग किया, उसने मारी किल्ली, जैसे हम अपनी बहन को परेशान करते हैं तो क्या आती है? चिल्लाती है, पापा को बुला लेती है। आगे बात करते हैं विश की बात करें, विश पी के क्या हो गया? टल्ली हो गया। आगे बात करें फुजी, जा भाई, जा कहां? जापान। फुजी जा। भाई ये याद हो गया, ये याद करने की छोटी सी ट्रिक होती है भाई, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, दिमाग में रह गई तो ठीक, नहीं आई तो अपना याद करने की कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा रिविजन किया करो। अगर हम बात करें, ये तो बात थी किसकी? सेंट्रल इरप्शन की, केंद्रीय उद्गार की। अगर हम बात करें दरारी उद्गार, फिशर इरप्शन की, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डक्कन का पठार, जो कहां पर है? भारत में। डक्कन का पठार कहां पर है भाई? अपना भारत में, डक्कन का पठार। बिल्कुल भाई, इंडिया में है, भारत में है, डेक्कन प्लेट्यू। बिल्कुल भाई, अब आगे चलते हैं कि ये तो हो गए इरप्शन के हिसाब से, उद्गार के हिसाब से। अगर हम की बात करें एक्टिवनेस के हिसाब से, बात करें कि भाई एक्टिवनेस के हिसाब से बता दो कौन कितना सक्रिय है। अगर हम सक्रियता की बात करें, बात किसकी करें हम? सक्रियता की बात करें, तो सक्रियता के हिसाब से, एक्टिवनेस के हिसाब से हमने उन्हें तीन भागों में बांटा हुआ है।
सबसे पहले तुम्हारा आता है कौन सा? एक्टिव वॉल्केनो। सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे, सक्रिय वॉल्केनो की बात करेंगे। और सक्रिय वॉल्केनो कौन से वॉल्केनो होते हैं? मैंने तुम्हें बताया था बिल्कुल भाई, एक्टिव, डोरमेंट, डेड। एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय वॉल्केनो वो होगा जिसमें पिछले 10,000 सालों में, जिसमें पिछले 10,000 सालों में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार वॉल्केनिक क्या हुआ हो? इरप्शन हुआ हो। बिल्कुल भाई, यहाँ तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। अर्जेंटीना, चिली, बिल्कुल भाई। ऑजस डेल सलाडो कहाँ है भाई, ये तो बताओ। अर्जेंटीना, चिली, बिल्कुल भाई। अब देखते हैं एक्टिव ने, एक्टिव वॉल्केनो के एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है तुम्हारा? डोरमेंट होगा, एग्जांपल हम एक एक करके उठाएंगे। तीसरे क्या होगा? डेड होगा। क्या होगा? डेड वॉल्केनो होगा, डेड वॉल्केनो होगा, डेड ज्वालामुखी होगा। डोरमेंट को क्या कहेंगे हम? सुषुप्त कहेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी होगा। भाई ड्रॉन हिंदी में चल रहा है, आज तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऑजस डेल सलाडो इन अर्जेंटेनिया, बिल्कुल भाई अर्जेंटेनिया में। डेड की बात करें तो मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी जिसमें 10,000 साल, पिछले 10,000 सालों में एक भी बाहर वॉल्केनिक इरप्शन ना हुआ हो, लेकिन आगे भी चांसेस ना हो। सुषुप्त की बात करें तो 10,000 सालों में ना हुआ हो, लेकिन लेकिन चांसेस हो कि होगा। क्या होगा भाई? वॉल्केनिक इरप्शन होगा। बात करते हैं हम एक्टिव वॉल्केनो की। एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऑजस डेल सलाडो, ऑजस डेल सलाडो, ऑजस डेल सलाडो की बात करेंगे तो भाई ऑजस डेल सलाडो मेरे पास आंसर आए थे। अच्छा, ऑजस डेल सलाडो के बारे में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, वो बताओ क्या है ये? ऑजस डेल सलाडो के बारे में मैंने तुम्हें एक वो बताई थी, एक इसके बारे में एक इसकी फीचर बताए थे, क्या था भाई जल्दी से मुझे बताओ? माउंट एरेबस अंटार्कटिका, ठीक है भाई। ऑजस डेल सलाडो के बारे में तुम्हें बताया था क्या है भाई? ये चिली में है, एक तो ये चिली में है। चिली कहाँ है तुम्हारा? यूएसए। चिली कहाँ है भाई तुम्हारा? साउथ अमेरिका में है, यूएसए में है, साउथ अमेरिका में है चिली। ऑजस डेल सलाडो के बारे में क्या बताया था? हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, बिल्कुल भाई। ये क्या है? सब मतलब सबसे ऊंचा सक्रिय है। एक्टिव ज्वालामुखी की जब भी बात करेंगे तो हम कौन सा करेंगे? ऑजस डेल सलाडो। और भैया इसे याद करने की छोटी सी ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दाल, दाल में क्या हो गई? चिल्ली हो गई। क्या हो गई? दाल में चिल्ली। तो ध्यान रखना, दाल में क्या होगी? चिल्ली होगी। ट्रिक भी भाई, ट्रिक बना साथ साथ बता रहा हूँ, अगर तुम्हें याद रह जाए तो वेल एंड गुड। क्या भाई? वेल एंड गुड। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड की हम बात करें तो कोटापैक्सी। क्या है भाई? कोटापैक्सी। और इसका क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पर है भाई? कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहां पर है? अगर बात करें इक्वाडोर कहां पर है तो साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर, ये तुम्हें पता है। साउथ अमेरिका में। इसके इसकी ट्रिक याद कर लो भाई, किसी ने पहना कोट और कोट पहन के वो कहां पे खड़ा हो गया? डोर पे, कि भैया मैं तो बन ठन के जा रहा हूं और दरवाजे पे खड़ा हूं, मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। तो याद रखना, कोट पहन के डोर पे खड़े हो गए। तो कोटापैक्सी की जब भी बात आएगी तो इक्वाडोर की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? इक्वाडोर की बात करेंगे। अब बात करें हम तीसरे की। एटना तुम्हें पता ही है, एटना कहाँ है? इटली में है। ये भी क्या है? अपना एक्टिव वॉल्केनो है। चौथा अगर हम बात करें, चौथे की बात करें तो स्ट्रोम्बोली। ये बोली स्ट्रोम्बोली। और भाई ये बताओ स्ट्रोम्बोली कहाँ है? स्ट्रोम्बोली कहाँ है? कहाँ है भाई स्ट्रोम्बोली? जल्दी से बता दो भाई स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली में है भाई, इटली में है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रोम्बोली से रिलेटेड तुम्हारा माउंट लोवा लार्जेस्ट। हाँ भाई, माउंट लोवा लार्जेस्ट है लपारी द्वीप, बिल्कुल भाई। स्ट्रोम्बोली की बात करें, अगर वो स्ट्रोम्बोली की बात करेगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो पूछे तुमसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, किसका भाई? भूमध्य सागर का क्या भाई लाइट हाउस किसे कहते हैं? तो बता देना, स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। प्रकाश स्तंभ की बात करेगा, वो प्रकाश स्तंभ कहेगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की बात करें तो बता देना, स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? स्ट्रोम्बोली। ये बोली स्ट्रोम्बोली। टकली बोली तुमसे भाई, क्या? स्ट्रोम्बोली। टकली बोली, स्ट्रोम्बोली, टकली बोली, याद रखना। और ये क्या है? प्रकाश स्तंभ है। और टकले के सिर पे जब भी तुम लाइट मारोगे तो एक चौंध आएगा, वापिस एक रिफ्लेक्शन आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी प्रकाश स्तंभ की बात करेंगे, प्रकाश स्तंभ की बात करेंगे, किसका भाई? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहेंगे भाई? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहेंगे? तो बता देना, स्ट्रोम्बोली को कहेंगे। भाई किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ लेना। खैर, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो याद करने हैं तुम्हें। याद चाहे कैसे भी करो भाई, चाहे टकली बनाओ, चाहे टकला बनाओ, चाहे कोट पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, क्या होना चाहिए?
तुम्हें याद होना चाहिए, वो तुमसे पूछ ले कि भाई कौन सा कहाँ पे है, तो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर हम बात करें बैरन द्वीप की, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर है? इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेगा तो इंडिया की किसकी बात करेगा? वो बैरन द्वीप की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मोनालोआ, मोनालोआ की बात करेगा भाई, मोनालोआ, मोनालोआ कहाँ पर है? तो मुझे सबसे पहले ये बता दो। हाँ भाई, ये तुम्हारा बैरन द्वीप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द्वीप समूह भी आपके पास है। और मोनालोआ की बात करेंगे तो मोनालोआ है, मोनालोआ से याद रखना, कोवा, कोवा कहाँ उड़ गया, किस में उड़ गया, हवा में उड़ गया। तो हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहाँ है तुम्हारा? यूएसए में है भाई। हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए में। कोवा उड़ गया, कहाँ उड़ गया, हवा में उड़ गया, हवाई द्वीप यूएसए। और ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ऊंचे की जब भी तो ओजस डेल सेलेडो, दाल की, दाल में क्या है, मिर्च है, चिली है, तो चिली तुम्हें पता है कहां पर है, चिली में है तुम्हारा ओजस डेल सेलेडो। और बात कर रहे हैं हम हवाई द्वीप की, मोनालोआ की, तो मोनालोआ हवाई द्वीप है और ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसमें समय समय पर क्या होते रहते हैं भाई तुम्हारे, भाई लाइक कर दो, 17 वॉचिंग है कम से कम, एक दो तो लाइक कर ही दो भाई, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। मोनालोआ हो गया, हाँ एक रह गया तुम्हारा क्या, अगर मैं वो तुमसे पूछे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं और मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करता हूं कि सबसे दक्षिणी सदर्न मोस्ट ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई की कैपिटल होनालुलु। हाँ भाई, मैंने तुमसे पूछा है विच इज द सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी? चिम्ब्राजो। भाई सबसे, अगर हम दक्षिण की बात करें तो कहीं अंटार्कटिका तो नहीं है दक्षिण में? थोड़ा थोड़ा तो, थोड़ा सा ओजस डेल सलाडो, माउंट टेराबस। ठीक है भाई, आंसर आने शुरू हो गए हैं, मैं तुम्हें हिंट दे दिया है भाई, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी में, ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जल्दी है, कोई कोटापेक्सी बता रहा है, भाई जिस जिसका आंसर एराबस है, माउंट एराबस है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, अंटार्कटिका में है और ये सबसे दक्षिणी, अंटार्कटिका में है और ये सबसे दक्षिणी क्या है, ज्वालामुखी है, ध्यान रखना। हाँ भाई, ड्रोन वहां भी ज्वालामुखी है और दो ज्वालामुखी है, ये भी सुन लो। और ये क्या है तुम्हारा, दूसरे नंबर का ज्वालामुखी है जो एक्टिव है। भाई ज्वालामुखी कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं ज्वालामुखी? ये तुम्हारी प्लेट्स हैं, प्लेट के नीचे क्या, ये मैग्मा पे तो तैर रही हैं, इसके नीचे क्या ज्वाला, इसके नीचे मैग्मा भरा हुआ है, तो मैग्मा ये थोड़ा ना है कि बस यही होगा, इंडिया के पास होगा, यूएसए के पास होगा, उसने तो पूरी पृथ्वी को कवर किया है। हमने उस दिन उठाया था और तुम्हें जो हिस्सा दिखाया था, ये तो पूरा कवर है, मैग्मा तो चारों तरफ है, और जहां भी मूवमेंट होगा वहां से मैग्मा, जहां भी वोल्केनो इरप्शन होगा वहां तुम्हारा क्या होगा, प्लेट्स का कहीं ना कहीं। हाँ भाई बिल्कुल, सूरजमल मीना, बिल्कुल भाई, माउंट एरेबस होगा भाई। क्लास को ना शेयर कर दिया करो एक बार, एक दो बार कम से कम, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो भाई, फेसबुक इंस्टा जो भी चलाते हो वहां एक बार कम से कम स्टेटस लगा दो भाई। मैं ये नहीं कहता डेली डेली लगाओ, लेकिन कम से कम एक बार, इतना तो कर ही सकते हो भाई या नहीं कर सकते? तो दक्षिणी का अगर जब भी बात करेगा, दक्षिणी एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय वोल्केनो, तो तुम क्या लिखोगे, तुम एराबस लिखोगे। अब बात करते हैं डोरमेंट वोल्केनो की, वो वोल्केनो जो अभी फटे नहीं है लेकिन फटने की चांसेस है, फ्यूचर में फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई फ्यूचर में। बिल्कुल भाई त्यागी, धन्यवाद भाई, अगर आप रोज करते हो, थैंक यू सो मच भाई। लेकिन क्या है, सब कम से कम एक एक बार अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे लगा दो कि भाई ये हमारे सर का चैनल है, या जो भी तुम भाई कहो, कुछ भी कह के लगा दो कि भाई, भाई खोले ना खोले, लेकिन एक बार तुम्हारा क्या काम है, लगाना है, जो पढ़ने वाला होगा वो आएगा, जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, बस एक बार लगा देना। अब बात करते हैं हम डोरमेंट वोल्केनो की, किसकी वोल्केनो की, डोरमेंट वोल्केनो की। और भाई एक चीज तुम्हें मैं एक गुड न्यूज दे दूं कि जल्दी ही एक दो दिन के अंदर हम सिर्फ क्या ज्योग्राफी के एमसीक्यू की एक अलग क्लास लेंगे, जिसमें क्या हम सिर्फ ज्योग्राफी के एमसीक्यू उठाएंगे, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन लगेंगे, 4, 5, 6, 7, इनके बीच में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगेगा। और वो जो क्वेश्चन लगेगा वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ज्वालामुखी के टाइप्स क्या हैं, ये तो बस बता दिया, वरना तुम क्या, तुम उठा लो भाई कोई सी भी लूसेंट उठा लो, वन लाइनर में सारे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन समझ के याद करना एक अलग बात होगी। ड्रोन का आंसर आया है काराकोटावा फुजियामा विशुवियस।
तो चलते हैं भाई, अब बात करेंगे डोरमेंट वॉल्केनो की, सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे। तो डोरमेंट में अगर हम करें माउंट एकागुआ, अगर हम बात करें माउंट एकांक गुआ की बात करें, एकांक गुआ की बात करें, तो भाई ये कहाँ है? एक तो मुझे ये बता दो, जिस अगर किसी को पता हो आगे। तुम्हें विसुवियस मैंने बताया था, क्या बताया था? विसुवियस। विस पी के क्या हो जाओगे? टल्ली हो जाओगे। फूजी जा कहाँ भाई, तू कहाँ जा, जा जाने मन जा कहाँ, जा जा कहाँ जाएगी भाई। और एक मीनाक्षी कशाना, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो। जापान जा, बिल्कुल भाई। जब भी बात करेगा फुजीयामा की बात करेंगे, तो ये क्या है? अपना डोरमेंट वोल्केनो है जो फट सकते हैं। विसुवियस इन इटली, बिल्कुल भाई विसुवियस इटली में है। विश पी के टल्ली हो जाओगे तुम। फुजीयामा जाकावर ने है, काराकोटा इंडोनेशिया में है। हम बात करें अब माउंट एकांक गुआ, एकांक गुआ है कहाँ है भाई, एकांक गुआ कहाँ है? ड्रॉन डेडा एंडीज माउंटेन। जाने मन को कहीं कहाँ भेज रहे हो सर भाई, तुम ना एक तो इस पे क्लास पे ध्यान लगाया करो। तुम्हें ना अगर मैं दो चार बातें इधर उधर की करो तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने मात्र बचे हैं, लग जाओ तैयारी में। दिल्ली पुलिस इस बार पार होगी, दिल्ली पुलिस की ड्रेस इस बार हमें मिलेगी। हाँ, भारत का ये क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा? नारकोडम, डम डमा डम डम, नारकोडम। ये कहाँ पर है भाई? नारकोडम कहाँ पर है? इंडिया में। शुभम का हैप्पी बर्थडे भाई। एक तो यार तुम उल्टे सीधे हैप्पी बर्थडे मत बनाया करो, किसी का कभी भी बर्थडे मना देते हो, तुम्हारा समझ में नहीं आता। क्लास फोकस करते हैं भाई क्लास पे। द नारकोडम का आंसर दे दो भाई। फुजियामा मैंने तुम्हें बताया इटली में, विसुवियस इटली में, फुजियामा जापान में, माउंट एकांगुआ की बात करेंगे तो एकांगुआ कहाँ है भाई? तुम्हारा चिली में है। कहाँ है चिली? चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका। रौनक चौहान इंडिया भाई, जो ये तुम्हारा नारकोडम है ये इंडिया में है। डोरमेंट वोल्केनो तुमने देख लिए, डोरमेंट वोल्केनो हो गई। अब बात करेंगे अपने बेरा ना, इसका कहां जा रहे हैं भाई? क्लास पे फोकस करते, क्लास पे फोकस करो यार, क्लास पे फोकस करो। मजाक तो हम कर लेंगे, एक बार नौकरी मिल जाए तो फोन करके भैया मजाक कर लिया करना एक दूसरे को, ठीक है भाई? आते हैं हम कितने किस पे, अपने मृत ज्वालामुखी पे, मृत वाली एक्सटेंट या डेड वोल्केनो कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डेड कहेंगे, एक्सटेंट या जो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। और डार्ट की, डेड की बात करेगा तो सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले चिम्ब्रोली। किसकी बात करेंगे हम? चिम्ब्रोली की बात करेंगे। चिम्ब्रोली, चिम्ब्रोली कहाँ है सर? एकांगुआ डेड वोल्केनो है शायद? नहीं भाई, एकांगुआ, एकांगुआ जो है तुम्हारा वो डोरमेंट वोल्केनो ही है। क्या है? डोरमेंट वोल्केनो है। साउथ अमेरिका, ड्रॉन डेडा का आंसर है चिम्ब्रोली। चिम्ब्रोली कहाँ है भाई? ये इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में। दूसरा हम चलते हैं किलिमंजारो, किलिमंजारो। किल्ली मारी किसने? मारी भाई किल्ली क्यों मारी? तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया तंग कर रहे थे किसको? बहन को, उसने मार दी किल्ली। चिम्ब्रोली, अच्छा भाई चिम्ब्रोली कहाँ है तुम्हारा? तीसरी हम बात करेंगे पोया, पोया कहां पर है? पोया है तुम्हारी म्यांमार, जिसे पुराने नाम पे हम बर्मा कहते थे। चौथे की बात हम करेंगे दमाकावंद, या हिंदी में इसे हम कह देते हैं देवबंद, देवबंद। या पांचवें नंबर पे अपना क्या है? कोह सुल्तान। तो ध्यान रखना देवबंद या दमाबंद, ये दोनों कहां पर हैं अपने? ईरान में। बिल्कुल भाई, दोनों ईरान में। अरे यार वो जो पूछ रही थी, क्या नाम है तुम्हारा, शुभम त्यागी, वो चिम्ब्रोली के लिए इंग्लिश पूछ रही थी। तुम नहीं समझोगे, हमें समझ में आ जाता है भाई। हाँ भाई, पोपा या पोया कहाँ है तुम्हारा? म्यांमार में है। दमाबंद और इसकी बात करेगा तो ये कहाँ है तुम्हारा? ईरान में है भाई। ये क्लियर हो गए होंगे? हाँ भाई, मैं समझ गया था रौनक, रौनक मैं समझ गया था। तुम यहाँ फोकस कर लो भाई, चिम्ब्रोली तुम्हारा कहाँ पर होगा? इक्वाडोर में होगा। किलिमंजारो तंजानिया, और दमाकावंद या देवबंद कहेंगे तो ईरान में है। कोह सुल्तान ईरान में है, लेकिन ध्यान रखना कोह सुल्तान का कुछ पार्ट बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है, ठीक है भाई? लास्ट क्या है सर? लास्ट भाई ये कोह सुल्तान है, कोह सुल्तान। अरे सुल्तान क्या है भाई? कोह सुल्तान है। क्या है तुम्हारा? कोह सुल्तान, ठीक है भाई। ये डेड वोल्केनो हो गए अपने, मिटा दिया जाए।
ठीक है भाई। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे कि रिंग्स ऑफ फायर कौन से महासागर में है या कौन से महासागर के तट पे है? पर प्रशांतीय मेखला, इन हिंदी पर प्रशांतीय मेखला, बिल्कुल भाई पैसिफिक ओशन में है। ये साक्षी त्यागी का क्वेश्चन आया है कि भाई एकांक गुआ कौन सा वोल्केनो है, तो भाई एकांक गुआ चिली में है और डोरमेंट वोल्केनो है। हो सकता है तुमने गूगल किया हो, वहां क्या आ रहा हो, तुम्हारा मृत ज्वालामुखी आ रहा हो, लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो भाई तुम्हें डोरमेंट मिलेगा। ठीक है साक्षी, ये थोड़े से इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं। हम एनसीईआरटी अगर देखें तो एनसीईआरटी में क्या कहा गया है इसे एकांक गुआ को, एकांक गुआ डोरमेंट है, लेकिन अगर तुम गूगल करोगे तो वहां तुम्हें डेड मिलेगा, मृत मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूज मत हुआ करो भाई, गलत नहीं बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है साक्षी, क्लियर हो गया होगा मेरा पॉइंट, मेरा पॉइंट क्लियर होगा। तो पैसिफिक ओशन यहां लेके इंडोनेशिया से लेके तुम्हारा चाइना जापान से होते हुए वापस साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्या है तुम्हारा, रशिया, यहाँ क्या है जापान, चाइना, इंडोनेशिया, इसके बीच का ये जो एरिया है यहाँ सबसे ज्यादा क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो आते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पर प्रशांति है, रिंग्स ऑफ फायर कहेंगे, क्या कहेंगे, रिंग्स ऑफ फायर, क्या कहेंगे भाई, रिंग्स ऑफ फायर कहेंगे। एसएससी क्या बताएगा, एसएससी भाई तुम्हें एनसीईआरटी ही उठाएगा, एसएससी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है तो वेल एंड गुड। पर प्रशांति मेखला कहते हैं, पर प्रशांति है, इसे कहेंगे पर प्रशांतीय मेखला। और यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या आएंगे भाई, जहां वोल्केनो इरप्शन होगा वहां तो धरती हिलेगी, और हिलेगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, तो यहाँ क्या सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं और सबसे ज्यादा क्या आते हैं तुम्हारे, वोल्केनो इरप्शन होते हैं। पर प्रशांतीय मेखला की बात हो गई। हाँ प्रशांत महासागर से, ये क्या है प्रशांत महासागर का क्या है, तुम देख रहे हो प्रशांत महासागर ने इसे घेरा हुआ है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तुम्हारा, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा बड़ा महासागर की बात करेगा तो कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया होगा। अरे तुम बैठे ही हो तो एक कमेंट कर दो, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई, जल्दी से बता दो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा। फिर चलते हैं अपना अगले पॉइंट पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल भाई। अब एक बात कर लेते हैं कि भाई ये मृत मृत क्या है तुम्हारा, ज्वालामुखी है, क्या है ये, क्या होगा तुम्हारा, मृत ज्वालामुखी होगा। और मृत ज्वालामुखी जो होगा वो छोटा मोटा नहीं होगा, कई किलोमीटर, बिल्कुल भाई रौनक साक्षी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक। होता क्या है भाई, मृत ज्वालामुखी हो गया, यहाँ क्या है तुम्हारा, वोल्केनो है, जो तुम्हारा मैग्मा था ये जम चुका है। अब क्या है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टाने हैं, अब यहाँ क्या होगी, बारिश होगी, क्या होगी, रिमझिम होगी बारिश, और यहाँ भरेगा पानी, और ये क्या बनेगी तुम्हारी, लेक बनेगी, क्या बनेगी तुम्हारी भाई, लेक बनेगी। और इस जो ये होता है इसे कहते हैं हम बीबर, बीबर कहेंगे या क्रिएटर कहेंगे, बीबर कहेंगे या क्रिएटर कहेंगे, हिंदी में भी बीबर कहेंगे या क्रिएटर कहेंगे। तो जब भी बीबर क्या होगा, बीबर वो स्थान होगा जहां डेड वोल्केनो क्या होते हैं, या फिर ऐसा कोई स्थान होता है जहां पहाड़ी पे ऊंचाई पे क्या तुम्हारा पानी भर जाता है। ठीक है भाई, अब मैं तुमसे कुछ पूछ लूं, कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, मैं तुमसे कुछ लेक पूछ लेता हूं, वो मुझे बता दो भाई, लोनार लेक कहां है, लोनार लेक कहां है, चिल्का लेक कहां है, और एक टिटिकाका लेक कहां है, टिटिकाका, ये लेक कहां पर है, राजस्थान। पहला आंसर आया है किसका, ड्रॉन डेडा का, बिल्कुल भाई राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, भाई लोनार तो तुम्हारी कहां है, लोनार कहां है, महाराष्ट्र में है, लोनार कहां है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है लोनार लेक, बिल्कुल भाई महाराष्ट्र में है साक्षी, बिल्कुल सही महाराष्ट्र में है। एक तुम पुष्कर और बता दो मुझे, पुष्कर कहां है, पुष्कर लेक कहां है भाई, महाराष्ट्र में है लोनार लेक, पुष्कर लेक और मुझे बता दो पुष्कर कहां है भाई, मुझे पुष्कर लेक और बता दो, आंसर आया राजस्थान। और ठीक है भाई, चिल्का लेक का आंसर और दे दो, चिल्का लेक कहां है भाई, मुझे चिल्का लेक का आंसर और दे दो, पुष्कर राजस्थान में है, बिल्कुल भाई पुष्कर तो राजस्थान में हो गई, लोनार महाराष्ट्र में हो गई, ये राजस्थान में हो गई, चिल्का लेक कहां होगी, ये रौनक का आंसर आया है उड़ीसा, बिल्कुल भाई उड़ीसा में ही है, कहाँ है ये तुम्हारी, उड़ीसा में। अब बात कर लेते हैं टिटिकाका लेक की, तो टिटिकाका लेक क्या है, टिटिकाका लेक तुम्हें बता देता हूँ, ये सबसे ऊंची, अगर वो तुमसे पूछे सबसे ऊंची नेविगेबल या नौगम्य लेक कौन सी है, जहां पर हम क्या
क्या चला सकते हैं? नाव चला सकते हैं। तो क्या आंसर होगा भाई तुम्हारा? चिल्का उड़ीसा में, बिल्कुल साक्षी, चिल्का उड़ीसा में। और ये जो नेक है तुम्हारी कहाँ है? पेरू प्लस बोलेविया, पेरू और बोलेविया देश के बीच है, ये दो देश है। ये क्या है तुम्हारा? पेरू प्लस बोलीविया, ये क्या है तुम्हारे? देश है। इन दोनों देशों के बीच टिटिकाका लेक है, ये तुम्हारी लेक है। और ये सबसे ऊंची नौगम्य है जहां बोट चल सकती हो, नेविगेबल, यहां बोट चला सकते हो। तो ये आंसर याद रखना टिटिकाका होगी। कौन सी होगी? टिटिकाका होगी। कौन सी होगी भाई तुम्हारी? टिटिकाका। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारी किसकी? अर्थक्वेक की। भाई अर्थक्वेक आया, रिंग्स ऑफ फायर हुई, रिंग्स ऑफ फायर हुई। तो रिंग्स ऑफ फायर में तुम्हें क्या बताया, वहां क्या होगा भाई? जहां पे रिंग्स ऑफ फायर की बात होगी वहां क्या होगा? सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक। कितना टाइम रह गया अपने पास? 11:40 हुए हैं। बिल्कुल भाई, 15 मिनट का टॉपिक ये है। क्या अपना 15 मिनट का टॉपिक है? तो बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। अब किसकी बात करेंगे हम अर्थक्वेक की? ये क्या है तुम्हारी? जमीन है, जमीन। और नीचे क्या तुम्हारा? कहीं कंपन शुरू होगा। कंपन किस कारण से होगा? दो तरीके हो सकते हैं। हमने कोई विस्फोट किया हो, नेचुरल हो सकता है, नेचुरल यानी मूवमेंट्स ऑफ प्लेट हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, उस वजह से क्या आता है तुम्हारा? अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप। धरती हिलेगी, जब भी धरती हिलेगी तब भी क्या होगा तुम्हारा? भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा। और भूकंप आने के दो कारण हो सकते हैं, या तो मैन मेड, हमारी वजह से, हमने क्या हो भाई बम फोड़ दिया हो, बम फूटेगा, धरती हिलेगी, जब भी धरती हिली तो समझ लो अर्थक्वेक आया। बात करेंगे भाई सिस्मोग्राफ के बारे में, बात करेंगे रिचल स्केल, मार्गोन स्केल, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज क्या अपना बात करते हैं अभी स्टार्टिंग से लेके चले अर्थक्वेक। तो होता क्या है भाई? ये होता है अपना क्या? फोकस। ये क्या होगा अपना? फोकस होगा, केंद्र होगा। केंद्र से क्या होगा भाई? जहां से भी तरंगे स्टार्ट होंगी, थ्री टाइप्स ऑफ वेव होंगी। बिल्कुल भाई, थ्री टाइप्स ऑफ वेव होंगी। और ये वेव चलेंगी, क्या चलेंगी? वेव चलेंगी। और सबसे पहले जाके टकराएंगी कहां? ऊपर। ऊपर कहां टकराएंगी? उसे क्या कहेंगे हम? अपना एपिसेंटर कहेंगे। ये क्या होता है तुम्हारा? एपिसेंटर होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, क्वेश्चन अर्थक्वेक की वेव से ही लगता है। कहां से लगता है भाई? अर्थक्वेक की वेव से लगता है, पीएसएल भाई। बिल्कुल बात करेंगे इस बारे में। तो यहां से क्या हुआ भाई? तुम्हारी तरंगे गई। अगर मैं बोल लूं सबसे पहले जमीन पे कौन सी तरंगे पहुंचेंगी, सबसे पहले जमीन पे कौन सी तरंगे पहुंचेंगी, ये बताओ भाई मुझे। सबसे पहले जमीन पे कौन सी तरंगे पहुंचेंगी? तो उससे पहले जान लेते हैं तरंगों के बारे में, फिर हम किस, बिल्कुल भाई, पी पहुंचेंगी, पी तरंगे होंगी। तरंगे कितने तरीके की होंगी? एक होंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और तुम्हारी लैंड वेव, या इन्हें क्या कहा जाता है? लव वेव कहा जाता है। अगर हम प्राइमरी और सेकेंड की बात करें तो ये कहाँ होती है? जमीन के अंदर होती है। और लैंड वेव बात करें तो जमीन के ऊपर चलती है। किसके ऊपर चलती है? जमीन के ऊपर। सबसे पहले हम उठाएंगे अपनी प्राइमरी वेव। सबसे पहले कौन सी? प्राथमिक वेव की बात करें तो, प्राइमरी वेव की बात करें तो इसकी थोड़ी खासियत जान लेते हैं। जो प्राइमरी वेव होती हैं ये सबसे पहले चलेंगी। प्राइमरी वेव सबसे पहले जाके जमीन पे टकराएगी, और जब भी जमीन पे टकराएगी तो सबसे पहले कुत्ता बिल्ली जानवरों के अंदर क्या होती है? हरकतें होती हैं। इसके अंदर होती हैं। तभी आई से क्या होता है सर? भाई आई नहीं, ये एल है, एल फॉर लैंड वेव, या इन्हें हम लव वेव भी कह देते हैं। क्या कौन सी कहते हैं? बिल्कुल भाई, जो पी वेव होती है प्राइमरी वेव, ये फास्टेस्ट वेव होती है। और इसी से हमें पता चलता है कि भाई भूकंप आने वाला है। कुत्तों को, जानवरों को सबसे पहले पता चलेगा क्या भाई? भूकंप आने वाला है। ऐसे करके तुम्हारा एक ड्रम लगा होगा जिसे तुम क्या कह रहे थे? सेस्मोग्राफ कह रहे थे। और इसमें सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचेंगी? तो सबसे पहले प्राइमरी वेव पहुंचेंगी। कौन सी वेव पहुंचेंगी भाई? प्राइमरी वेव। भाई एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा? जब भी अर्थक्वेक आता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? अर्थक्वेक आता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? इसका आंसर दे दो जल्दी से भाई। जब भी अर्थक्वेक आएगा तो वहां पे गैस रिलीज होगी। एक हमारे नेचर में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? मीथेन नहीं भाई, रेडॉन होगी। कौन सी होगी? रेडॉन गैस। रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, रेडॉन गैस रिलीज होती है। कौन सी भाई? रेडॉन गैस। ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ भी है भाई कि रेडॉन गैस कहां निकलेगी? अपना अर्थक्वेक में से। किसमें से? जब भी अर्थक्वेक होता है, दे ट्रांसमिट थ्रू सॉलिड लिक्विड। बिल्कुल साक्षी, इसके बारे में अभी प्राइमरी जो वेव्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी वेव्स क्या होता है भाई? ये क्या होता है अंदर? ये प्राइमरी वेव जो चलेंगी ये तुम्हारा लिक्विड, लिक्विड में भी चलेंगी, सॉलिड में भी चलेंगी, गैस में भी चलेंगी। इसमें भी चलेंगी भाई, जो तीनों में चलेगी तो सबसे फास्ट पहुंचेगी। कौन सी सबसे फास्ट? 5G नेटवर्क की स्पीड से जूम करके जाएगी। और सबसे पहले जो जाती है पी वेव जाती है, और ये तीनों में चलेगी, लिक्विड, सॉलिड और गैस। किसमें? लिक्विड, सॉलिड और गैस में कौन सी वेव चलेंगी भाई? अपनी प्राइमरी वेव चलेंगी, और तीनों में चलेगी तो फास्ट। अब बात करें सेकेंडरी वेव की, सेकेंडरी वेव जो होती है अपनी सिर्फ सॉलिड में चलती है। पेपर में पूछ ले कि ऐसी कौन सी वेव है या कौन सी तरंग है
जो सिर्फ सॉलिड में चलेगी, सिर्फ सॉलिड में चलेगी, तो बता देना कौन सी अपनी सेकेंडरी वेव होती हैं, और ये सिर्फ सॉलिड में चलती हैं तो इसलिए धीरे धीरे ऊपर पहुंचती हैं, इसलिए धीरे धीरे दूसरे नंबर पे पहुंचती हैं। बिल्कुल भाई, ट्रांसवर्स बताऊंगा, ट्रांसवर्स भी बताऊंगा तुम्हें, लॉन्गिट्यूडनली बताऊंगा। अगर हम बात करें प्राइमरी वेव की, तो इसकी एक खासियत है, प्राइमरी वेव जो होती है सबसे कम खतरनाक होती है। क्या होती है? सबसे कम खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी जो वेलोसिटी की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, वेग की बात करें, तो प्राइमरी वेग का, प्राइमरी जो वेव होंगी, प्राइमरी जो तरंग होगी, इनका वेग होगा सबसे ज्यादा होगा, इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी भाई? स्पीड सबसे ज्यादा होगी, स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ की अगर हम बात करें, तो इसकी वेव लेंथ क्या होगी? इसकी वेव लेंथ, अगर इसकी वेग ज्यादा होगा तो भाई 8 किलोमीटर, भाई स्पीड की बात भी करूंगा, सब कुछ बताऊंगा भाई, सब कुछ बताऊंगा। अर्थ को एक मैंने क्या कहा, इसमें से कोई कुछ नहीं छोड़ने वाला भाई, ऐसे सॉलिड, हाँ भाई ऐसे सिर्फ सॉलिड में चलेंगी, बिल्कुल भाई ये सॉलिड में चलेंगी। हाँ, प्राइमरी वेग की क्या होती है भाई? वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है? वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ नहीं, वेग ज्यादा होता है और वेवलेंथ कम होती है। ये बात हो गई वेग की, इसका वेग ज्यादा होगा और वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो कब सबसे कम क्या करेगी? तुम्हारा डिस्ट्रक्शन, सबसे कम नुकसान पहुंचाएगी, सबसे कम डिस्ट्रक्शन करेगी। तो प्राइमरी वेग जो वेव होती है ये क्या करती है? सबसे कम नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि इनका वेग ज्यादा है और वेवलेंथ ज्यादा है। अगर वो तुमसे पूछ ले इसमें टाइप ऑफ मूवमेंट कैसा होता है, तो बता देना भाई लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगा, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट होगा? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मूवमेंट होगा। किसमें? अनुदैर्ध्य कहते हैं इसे। ये क्या, कौन कैसा मूवमेंट होता है? प्राइमरी मूवमेंट कैसा होता है भाई? ये मूवमेंट जो होता है सिर्फ उस जिस मीडियम में ये चल रही है उस मीडियम के साथ साथ चलती हैं, तो ये सबसे कम नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है भाई, अगर ये मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो बता देना लॉन्गिट्यूडनल होगा, और अगर बात करें प्राइमरी वेव्स की तो इसकी वेवलेंथ कम होगी और इसका वेग वेलोसिटी ज्यादा होगी। भाई समझ में तो आ रहा है? किसी को इसमें कोई इशू तो नहीं हो रहा? इशू हो तो बताओ भाई, दोबारा से समझाओ इस पॉइंट को। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 8.5 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होगी। किसकी? प्राइमरी वेव की। ठीक है भाई, अगर हम बात करें प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग की, 8.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी, सबसे ज्यादा स्पीड से चलेगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ की बात करें तो इसकी कम होगी, डिस्ट्रक्शन सबसे कम होगा। वेवलेंथ की, वेलोसिटी और डिस्ट्रक्शन, ये क्या होगा? कम होगा। अब आते हैं सेकेंडरी वेव, किस पे आते हैं? सेकेंडरी वेव के, ये सिर्फ ये किसमें? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलेगी। ये सिर्फ किसमें चलेगी? सॉलिड में चलेगी। किसमें चलेगी? सिर्फ सॉलिड में चलेगी। बात करें अगर इसके बारे में, हम बात करें सेकेंडरी वेव के बारे में, तो इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन ये बनता है कि भाई 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर आया, नहीं भाई 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, 3.5 किलोमीटर की स्पीड पर सेकेंड की स्पीड होगी। किसकी? तुम्हारी सॉलिड की। किसकी होगी? सॉलिड की, सॉलिड, हाँ भाई बिल्कुल, सेकेंडरी वेव सॉलिड्स में चलेगी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर आती है तुम्हारी लैंड वेव, लैंड वेव की बात करें, हाँ इसके रिलेटेड सॉलिड जो तुम्हारी सेकेंडरी वेव से, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप की वेव है, तो बता देना ट्रांसवर्स। कैसी होती है भाई ये? ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर वेव्स होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? तुम्हारी सेकेंडरी वेव होती है। कैसी? सेकेंडरी। इसकी स्पीड होगी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। लैंड वेव या लव वेव, ये कहाँ वो निकलती है भाई? ऊपर, जो अपना क्या होता है? एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर पे जाके बनती है। कहाँ से? यहाँ से तरंगे चलती हैं और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। कौन सी? तुम्हारी लव वेव। लव वेव की बात करें तो इसकी क्या होगी? वेलोसिटी, वेग, अगर इसकी बात करें हम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसकी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो डिस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सी वेव करती है? तुम्हारी लैंड वेव या लव वेव। एल वेव ट्रेवल ऑन अर्थ, हाँ भाई क्रस्ट पे चलती है, क्रस्ट के ऊपर चलती है, सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारी एल वेव, लैंड वेव या लव वेव पहुंचाएगी। ठीक है भाई, टाइम क्या हो रहा है? 11:48, थोड़ा सा समय है और जल्दी से अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। लैंड, यहाँ से तीनों PSL क्लियर हो गई होंगी। अब बात करें अगर हम लैंड वेव की, तो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है। कितनी? 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। भाई PSL में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, गैस मैंने तुम्हें बता दी, 8.5, 3.5, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड,
1.5, मैंने बताया रौनक, 1.5 नेम के लव है, नाम का लव है। हाँ भाई नाम का लव है, लेकिन लव किसके लिए? पृथ्वी के लिए लव है। जो इतना हम कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, हैवी हैवी कंस्ट्रक्शन, तो इन्हें तोड़ने के लिए आती है तुम्हारी लव वेव। पृथ्वी के लिए प्यारी है कौन सी? लव वेव। कौन सी? तुम्हारी लव वेव। अब बात करते हैं अपना आगे इसकी कि भाई विच डिवाइस, कौन सा डिवाइस यूज होगा? तो बता देना कौन सा डिवाइस यूज होता है। सिस्मोग्राफ यूज होता है। सिस्मोग्राफ यूज करते हैं किसके लिए? हम इसे अर्थक्वेक, जो अपनी क्या होती है अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसे करके गोल सा ड्रम होता है एक, और उसके ऊपर क्या लगा होता है भाई? तुम्हारा एक ऐसे एक पैन लगा होता है, और जो जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो ड्रम है इसमें मूवमेंट शुरू होता है। ये ड्रम हिलता है ऐसे करके, ड्रम रखा है ऊपर, एक पैन रखा है, ये ड्रम हिलना शुरू होगा बस। और जब ड्रम एक गोल घूमता रहेगा तो वहां से हमें पता चलता है कि भाई इसकी थ्री टाइप ऑफ सिस्मोग्राफ। भाई सिस्मोग्राफ थ्री टाइप के होते होंगे। सिस्मोग्राफ से रिलेटेड हम यही डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि भाई डिवाइस कितने टाइप के, डिवाइस कौन सा यूज होगा? तो सिस्मोग्राफ यूज होगा। अगर हम बात करें कौन से स्केल यूज करता है, तो रिएक्टर स्केल या रिचर स्केल। क्या होगा भाई? या तो रिचर स्केल होगा या रिएक्टर स्केल होगा। रिएक्टर स्केल। और दूसरा कौन सा स्केल होगा तुम्हारा? ये स्केल जो है, बिल्कुल भाई ये स्केल किस लिए यूज होगा? मैग्नीट्यूड नापेंगे। दूसरा अपना स्केल जो होता है वो होता है अपना मार्कोनी स्केल। कौन सा? मार्कोनी स्केल। मार्कोनी स्केल अगर हम बात करें रिचर स्केल की, तो ये 0 से लेके 9 तक है, और आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। और 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, और 1 में 10 गुणांक का अंतर होता है इसका। भाई 10 गुणांक का अंतर होता है 1 में। 1 to 9 होगा, बिल्कुल भाई 1 to 9 या 0 to 9 होगा, ये अपना क्या होगा? अपना रिचर स्केल होगा। कौन सा? अपना रिचर स्केल होगा। अगर हम बात करें मार्कोनी स्केल, तो ये 1 से लेके 12 तक है। कितना? 1 से लेके 12 तक, 1 to 9 रिचर। हाँ भाई बिल्कुल, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। दो स्केल होते हैं, रिचर और मार्कोनी स्केल। मार्कोनी स्केल को भी हमने मॉडिफाइड मार्कोनी स्केल बनाया है। धीरे धीरे तुम्हें पता मॉडिफिकेशन तो होते रहते हैं। अब बात करें मार्कोनी स्केल, तो ये क्या है? अपना बंद है। कहाँ? 1 से लेके 12। इसमें हमने 12 से आगे नहीं गए हैं, लेकिन बात करें तो 0 और 9 यानी रिचर स्केल, तो ये कैसा है? खुला पैमाना है, खुला स्केल है, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। डिवाइस की बात कर ली तो सिस्मोग्राफ पूछ ले भाई कौन सा स्केल, तो रिएक्टर स्केल ही होता है। ज्यादातर तुम्हें रिएक्टर स्केल ही मिलेगा। ज्यादातर तुम SSC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें रिएक्टर स्केल मिलेगा। अब हम आगे चले, अब आगे चलते हैं कि भाई इंडिया कितने जोन में बटा हुआ है? कितने? अर्थक्वेक जोन में या सेस्मिक जोन में? सेस्मिक, कितने सेस्मिक जोन में बटा हुआ है भाई? ये बताओ इंडिया कितने सेस्मिक जोन में बटा हुआ है? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। कितने? 5 भाई। ड्रोन अगर तुम यूपी के पेपर उठाओगे, यूपी का सिर्फ किसी पेपर को उठाओगे, तो उसमें 5 हैं। लेकिन अगर हम बात करें SSC की, तो वो 4 मानता है। हमारा जो ये क्या है तुम्हारा, अपना जो इंडिया है वो 4 सेस्मिक जोन में बटा हुआ है, जहां भूकंप एक ही तरीके के भूकंप आते हैं। हाई भूकंप आएंगे तो वहां हाई आएंगे। तो अगर हम उठाएं कि भाई कितने टाइप में अपना बटा हुआ है, तो 2, 3, 4, 5 बिल्कुल भाई 3 नहीं 4 में है। एक तो क्या है अपने सेकंड, एक क्या है अपना सेकंड है, एक है अपना सेकंड जोन, एक है अपना थर्ड जोन, एक है अपना फोर्थ जोन, एक है अपना फिफ्थ जोन। हमने 4 जोन में माना हुआ है। कितने जोन में माना हुआ है? 4 जोन में माना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें, ये तो हो गई जोन, इसमें किस किस तरीके से बांटा हुआ है। तो बात करें तो कि भाई अगर हम सेकंड की बात करें, तो अगर हम मार्कोनी स्केल पे देखें, तो 6 6 और जिसमें 6 से नीचे तक आते हैं, 6 तक, जहां तक 6 मैग्नीट्यूड के क्या आएंगे तुम्हारे भूकंप आएंगे, वो होगा तुम्हारा सेकंड जोन 6। ये क्या होगा? थर्ड क्या होगा? 7। जहां 7 तक आएंगे थर्ड जोन होगा। ड्रोन भाई बुक में 5 है, SSC 4 मानता है, तुम्हारा यूपी के एग्जाम वाले 5 मानते हैं, कंफ्यूज मत होना। बात करें फोर्थ, तो इसमें क्या होगा? 8th क्या तुम्हारे 8 स्केल तक आएंगे, 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप आएंगे। और बात करें फिफ्थ, तो इसमें 9 एंड अबव, इसमें 9 से ज्यादा के भूकंप आएंगे। इंडिया इतने पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई दिल्ली कौन से जोन में आता है, मैं तुमसे पूछूं कि दिल्ली कौन से जोन में आएगा, मेरे को ये बताओ। दिल्ली का आंसर दो भाई, दिल्ली कौन से जोन में आएगा?
क्लास खत्म होने वाली है सेकंड, बिल्कुल सेकंड में, दिल्ली सेकंड में आएगा या भाई किस में आएगा, थर्ड में आएगा, बिल्कुल भाई थर्ड में आएगा दिल्ली, दिल्ली थर्ड में है, दिल्ली थर्ड में नहीं फोर्थ में आएगा, दिल्ली किस में आएगा तुम्हारा, फोर्थ में आता है, क्या आता है तुम्हारा, दिल्ली। अच्छा ये तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से किस में जो ना, कौन कौन से किस में आएंगे, जल्दी से तुम्हें लिख देता हूँ, तुम लिखना शुरू करो बस कि फिफ्थ में कौन कौन से आएंगे, बस जल्दी जल्दी से लिख लो कि फिफ्थ में कौन कौन से आएंगे। मैं लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर का नॉर्दर्न हिस्सा, और तुम्हारा क्या, लद्दाख, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसे यूनाइटेड किंगडम मत लिख देना कोई, नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार की बात करेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्यों है क्या भाई, फर्स्ट सेकंड समझ में नहीं आया मुझे, रौनक क्या पूछ रहे हो तुम, बस देख ले भाई, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। चलो भाई यहाँ पर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ थे हम, ये क्या है तुम्हारा, हम उल्टा उठा रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं तो ये क्या तुम्हारा फिफ्थ पे आएगा, अब किस में अपना फोर्थ पे चलते हैं, उल्टा चल रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि जो अपना सेकंड है वहां सिर्फ बचा हुआ कितना, रेस्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेस्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा सर। ऑप्शन भाई, ऑप्शन नहीं, मैं तो तुम्हें लिख रहा हूँ कि ये सिर्फ क्या है तुम्हारे फिफ्थ जोन में आएंगे, फिफ्थ यानी जो अपनी फोर्थ जोन है उसमें आएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, तो चौथी नंबर जो पांचवी नंबर की जोन है उसमें J&K, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और हाँ तुम्हारा क्या आता है, रन ऑफ कच आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच ये पूछा हुआ है, रन ऑफ कच रह गया था, तो रन ऑफ कच किस में आता है तुम्हारा, फिफ्थ जोन में आता है, किस में आएगा तुम्हारा, फिफ्थ जोन में आएगा। अब तुम्हारा फोर्थ पे चलते हैं सॉरी, बात करें हम J&K, J&K का जो बचा हुआ हिस्सा था वो इसमें आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश का बचा हुआ हिस्सा इसमें आ जाएगा, दिल्ली थर्ड, दिल्ली फोर्थ जोन में आ जाएगा तुम्हारा, दिल्ली हो गया तुम्हारा, सिक्किम हो गया, कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। अगर हम बात करें पूर्वंचली यानी नॉर्थ ईस्ट यूपी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूपी किस में आएगा तुम्हारा, इसी में आ जाएगा, बचा हुआ बिहार, तुम्हारा बचा हुआ बिहार, रेस्ट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल इसमें आएगा, महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन, जो महाराष्ट्र का क्या है अपना कोस्टल रीजन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भाई, फर्स्ट जोन नहीं होती रौनक, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जोन में हमने बांटा है, वही तुम्हें बता रहा हूं, ये हो गई अपनी फोर्थ जोन। अब अपना भैया थर्ड देख लो, टॉपिक खत्म करते हैं भाई, केरला हो गया तुम्हारा, गोवा हो गया, लद्दाख हो गया, बचा हुआ लद्दाख हो गया, यूपी, ये अपना नॉर्थ ईस्ट यूपी निकाल दो, अपना नॉर्थ ईस्ट यूपी निकाल दो, लद्दाख हो गया, यूपी बचा हुआ, जो रिमेनिंग यूपी है वो इसमें आएगा, गुजरात इसमें आएगा, राजस्थान, MP, बिहार का थोड़ा सा हिस्सा आता है सदर्न हिस्सा, बिहार, झारखंड, झारखंड इसमें आएगा, छत्तीसगढ़ इसमें आएगा, आंध्र प्रदेश इसमें आएगा, तमिलनाडु इसमें आएगा, और तुम्हारा क्या, कर्नाटका। भाई ये तुम्हारे फोर्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जोन हो गए, रन ऑफ कच और तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो तुम्हारा ईस्टर्न इंडिया है वो किस में आएगा तुम्हारा, फिफ्थ जोन में। यहां से दो याद रख लेना, एक तो नॉर्थ ईस्ट, एक रन ऑफ कच, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है रन ऑफ कच। तो फिफ्थ में फोर्थ की बात करें तो एक दिल्ली तुम याद रख लेना, दिल्ली महाराष्ट्र का सिर्फ कोस्टल रीजन आता है तो कोस्टल रीजन याद रख लेना। इधर आ जाओ, इधर वो तुमसे क्या पूछ सकता है, इधर तुमसे भाई वो MP पूछ सकता है, MP पूछ सकता है तुमसे, कर्नाटक, झारखंड, ये तो बस नॉर्मल से। और अगर हम बात करें कि भैया सेकंड जोन में कौन कौन आएगा, तो सेकंड जोन में जो रेस्ट ऑफ इंडिया, बचा हुआ भारत किस में आ जाएगा तुम्हारा, इसी में आ जाएगा भाई। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया भाई सबको, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन से अभी तक जो पढ़ाया हमने, आज अपना वॉल्केनो अर्थक्वेक खत्म कर लिया है, क्या अपना वॉल्केनो अर्थक्वेक खत्म कर लिया है, ठीक है भाई, लाइक कर दो भाई जिस जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लेकिन, और हाँ एक और बार क्लास को एक बार शेयर कर देना, मैं कहता हूँ डेली नहीं तो कम से कम एक बार, तीनों जो जो तुम चला रहे हो, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी चला रहे हो,
सर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक भाई तुम्हें जो स्क्रीन की थंबनेल पे मिल जाएगा। पर कोशिश यही है कि अभी हम वो टॉपिक लेके चल रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और लेकिन जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट भी है। क्या भैया? जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक हम उठा रहे हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो। हाँ एक बात और, जब हम पेपर की एक खासियत है, पेपर में जो पूछता है अगर तुम एग्जाम पैटर्न देखोगे तो इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो अपना जो फोकस रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी बाहर बाहर के टॉपिक करा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी बाहर बाहर के टॉपिक करवा रहा हूँ, अर्थक्वेक, वोल्केनो और तुम्हारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक छोटे छोटे से, इन्हें खत्म कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रियल लगेगा, लेकिन वो लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो कहाँ, इंडिया में से लगना ही लगना है। तो इंडिया को जो है हम बिल्कुल एकदम, ये जो अपने छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सिर्फ इंडिया उठाएंगे, इंडिया को ही उठाएंगे, इंडिया के रिवर्स, इंडिया के ग्रासलैंड्स, इंडिया की मिट्टी, इंडिया के डांस फॉर्म्स, सब कुछ इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, इंडिया की बाउंड्रीज, सिर्फ हम इंडिया की बात करेंगे। ठीक है भाई, अपनी क्लास सब खत्म करते हैं, 12 बज गए, किसी को कोई इशू हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी रीजनिंग की है और जल्दी तुम्हारी रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। गुड बाय भाई, राम राम, थैंक यू भाई। ठीक है भाई, किसी का कोई इशू हो तो पूछ लेना। ओके गुड बाय, नमस्कार सर।